श्रावण माह में ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से अत्यंत सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में मान्यता के अनुसार ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर सावन मास पर बेलपत्र चढ़ाने से अधिक मान्यता है। यह मंदिर नर्मदा जी के उत्तर तट पर स्थित होने से इसकी छटा और भी ज़्यादा रौनक हो जाती है। पवित्र नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर ममलेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसके दर्शन करने से कई लाभ होते हैं। शास्त्रों के अनुसार ओमकालेश्वर, ममकालेश्वर, महाकालेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। श्रावण मास में यहाँ सवारी निकाली जाती है, जिसमें भगवान ओमकालेश्वर की प्रतिमा को नर्मदा नदी के उत्तर तट पर पूजन स्थल के लिए ले जाया जाता है। नौका विहार होता है और यह दृश्य अलौकिक होता है। पूरी ओमकालेश्वर नगरी शिवमय हो जाती है, गुंजायमान केवल शिव के नारे होते हैं। श्रावण मास में हर कोई यहाँ आना चाहता है, तो यह तीर्थ अतुल्य पावन धरा है। बड़वाह से पीयूष शर्मा की रिपोर्ट। पंडित जी, श्रावण मास चालू हो रहा है, ओंकारेश्वर इतिहास के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भगवान श्री ओंकारेश्वर जी का महाराष्ट्र का इतिहास तो बहुत ही बड़ा है, बहुत प्राचीन है। श्री रामचंद्र जी की कई पीढ़ी ऊपर हुए राजा मानधाता, उनकी तपस्या से स्वयंभू रूप में यहाँ पर भगवान प्रकट हुए हैं। ये पूरा पर्वत ओम आकार का है, इसके चारों तरफ माता श्री नर्मदा मैया और श्री कुबेरी मैया जी का जल है, बीच में ओम आकार का टापू है। जब राजा मानधाता ने तपस्या करी, तब भगवान श्री भोलेनाथ जी ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। उन्होंने उनसे दो वरदान मांगे, एक आप यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होइए, दूसरा आपके नाम के साथ में सदैव मेरा नाम चलता रहे। भगवान श्री भोलेनाथ जी ने उनकी दोनों मनोकामनाएँ पूरी करी, स्वयंभू रूप में विराजमान भी हुए और आज भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में इस गांव का नाम मानधाता ही है, पुलिस थाना मानधाता, विधानसभा मानधाता। ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होने के पीछे राजा मानधाता ने उनसे कहा था कि प्रभु, इस पूरे पर्वत की परिक्रमा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तब भगवान श्री भोलेनाथ जी ने कहा था कि यह पूरा पर्वत ओम आकार में है, यह पूरा पर्वत ही स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में है, मैं यहाँ पर सूक्ष्म रूप में विराजमान हो रहा हूँ और इस पर्वत की परिक्रमा करने से भगवान के कृपा से सारे ही कष्ट दूर होंगे, भक्तों को इसकी परिक्रमा अवश्य करना चाहिए और मेरे दर्शन करने से उसको जो लाभ मिलेगा वो तो मिलता ही रहेगा।